अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास जो चीज़ें हैं उनके बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद हम उनके प्राइस रेंज की बात कर लेंगे, कौन सी चीज़ कितनी प्राइस में मौजूद है। तो सबसे पहले चीज़ें बता दूँ, उसके बाद हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो दो आज की वीडियो में हमारे पास वॉशिंग मशीन है, जिनके साथ आपको ड्रायर भी मिल जाते हैं, एक अदद आपको डॉलेंस के फ्रिज देखने को मिलता है, फिर एक कुकिंग रेंज आपको देखने को मिलता है, और एक सैमसंग की आपको एलईडी मिलती है देखने के लिए, जो कि 32 इंच में मौजूद है। ओवरऑल कंडीशन बहुत अच्छी है सब चीज़ों की, आप कह सकते हो। प्राइस रेंज की बात करें तो एक वॉशिंग मशीन 8,000 रुपये में विद ड्रायर के साथ, देन दूसरी वॉशिंग मशीन 10,000 रुपये में ड्रायर के साथ, फिर एक फ्रिज और डॉलेंस का जो मैंने आप लोगों को बताया यूज़ में है, अर्जेंट सेल कर रहे हैं 11,000 रुपये में। कुकिंग रेंज है 3 बर्नल के साथ लाहौर में, जो कि 6,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। देन आपको सैमसंग की एलसीडी मिल जाती है, जो कि 32 इंच में आपको मिलेगी 21,000 रुपये में, ठीक है। मतलब कि आप उसके साथ वाईफाई भी अटैच कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा लोगों की डिमांड होती है कि वाईफाई अटैच होता है कि नहीं होता एलईडी के साथ, स्मार्ट टीवी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये चीज़ें हैं। सबसे पहले हम वॉशिंग मशीन की बात करेंगे, उससे पहले अगर आप लोग प्लीज़ चैनल पे नहीं हुए हैं तो प्लीज़ ऑफर टाइम को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिलता रहे। यहाँ पे हम बहुत सारी सेकंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आप लोगों को फर्नीचर में कोई चीज़ चाहिए तो आप हमारा ऑफर टाइम फर्नीचर वाला चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले वॉशिंग मशीन का आप लोगों को ओवरऑल कंडीशन मैं बता दूं, तो 7x10 कंडीशन कह सकते हो, वर्किंग में है। बॉडी कंडीशन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये जो बॉडी कंडीशन है इसकी उसकी बात हो रही है कि 7x10 है, बाकी अंदर से चलने के लिहाज से वो 10x10 उन्होंने लिखा हुआ है, किसी किस्म का कोई भी इसमें वॉशिंग मशीन विद ड्रायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल फिर भी आप लोगों ने चेक करना है कि क्या किसी किस्म का और प्रॉब्लम तो नहीं है। ये तो उनके ज़ुबानी है कि हम, मतलब कि मैं अगर मेरी चीज़ है तो मैं तो यही कहूँगा भाई A1 है, ठीक है, आप ले जाएं बस इसको। तो ये ऐसा ना कीजिएगा, वो तसल्ली करें, वहाँ पे चेक करें, हर तरफ से चेक करें कि कोई मसला तो नहीं है, वॉशिंग मशीन को चला के चेक करें जैसे आपका दिल करता है। 8,000 रुपये इन्होंने मांगा हुआ है और इस टाइम ये रावलपिंडी में मौजूद है, तो रावलपिंडी वाले परचेज़ कर सकते हैं। देन दूसरे नंबर पे वॉशिंग मशीन की बात करेंगे, जो कि फैसलाबाद में मौजूद है, हायर की वॉशिंग मशीन है। इसका मॉडल तो नहीं लिखा हुआ, अगर मॉडल लिखा था तो मैं आपको वो भी लाजमी बता देता। 6 मंथ ये यूज़ की गई है, 7.5 kg की मशीन है। इसमें आपको मशीन विद ड्रायर मिल जाता है, हायर कंपनी है, और यहाँ पर आई थिंक मैं इसका मॉडल भी अगर देख सकूँ तो, नहीं मॉडल का नहीं पता चाह रहा, आप मॉडल का उनसे पूछ सकते हैं। पहले गूगल कर लीजिएगा मॉडल को कि कितने का न्यू आ रहा है, उसके बाद आप इसको परचेज करना, मतलब कि प्राइस की उसके बाद ही बात करना। तो 10,000 रुपये इन्होंने मांगा हुआ है, फैसलाबाद में मौजूद है, तो फैसलाबाद वाले इसको परचेज कर सकते हैं। देन तीसरे नंबर पे हमारे पास डॉलेंस की फ्रिज, जो कि कंडीशन वाइज 7x10 है, ठीक है, बॉडी कंडीशन भी यही है और चलने के लिहाज से उनके मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म का इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता, बहुत अच्छी कंडीशन उन्होंने लिखी हुई है। तो ये तो अब डिपेंड करता है जाके देखने पर 100% वर्किंग में है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये इन्होंने ऊपर रखी हुई है, तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि पहले आप लोगों ने जाके चेक करना है, मतलब कि उनको अगर आप लोग परचेस करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने अपना माइंड बनाया इसको मैं 9,000 रुपये तक अगर ये देगा तो मैं इसको परचेस कर लूँगा, या आपकी उसके साथ बात हो जाती है 9,000 रुपये में, तो आपने क्या करना है, पहले आपने उसको बोल देना है इसको फ्रिज को चला दे, ठीक है। जब आप इसको चलवा लेंगे तो आपके जाने तक ये कूलिंग कर देगा, जितनी कूलिंग करेगा उससे आपको आइडिया हो जाएगा इसकी कूलिंग कितनी अच्छी है कितनी नहीं। अगर आप जाके चलवाएंगे तो उसमें ये होगा टाइम लगेगा, आपका टाइम वेस्ट भी होगा, और आपको मतलब कि होगा कि यार ये कूलिंग देर से कर रहा है या कोई और इशू है ये। तो जब आप घर से चलेंगे तो आपको कम से कम आधा एक घंटा तो लगेगा, या एक घंटे के फासले पे होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो इतनी देर में आपको कूलिंग ऊपर नीचे दोनों का अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी को कूलिंग ये कर रहा है। वैसे भी सर्दियाँ तो कूलिंग ठीक ठाक हो जानी चाहिए एक घंटे में अच्छी खासी। तो इस टाइम ये लाहौर में मौजूद है, तो लाहौर वाले परचेस कर सकते हैं, 11,000 रुपये इनकी डिमांड है, तो बात आप प्राइस की कर लेना। देन कुकिंग रेंज की बात करेंगे, जो कि 3 बर्नर के साथ मौजूद है,
इसकी जो प्राइस है वो 6,000 रुपये है, ठीक है। कंडीशन वाइज ये बहुत अच्छा, मतलब कि आप 8x10 इसकी कंडीशन कुकिंग रेंज की कह सकते हो, तीन बर्नर के साथ है ऐसे, तो प्राइस रेंज भी 6,000 रुपये है, 6,000 रुपये ठीक है, प्राइसिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, 5,000 रुपये में दे देगा। 23 दिसंबर का ऐड है, लामा इकबाल टाउन लाहौर में ये भी मौजूद है, तो लाहौर वाले परचेज़ कर सकते हैं। लाहौर में इसलिए ज़्यादा चीज़ें दिखाता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की डिमांड होती है लाहौर से, कि लाहौर में भाई चीज़ें दिखाया करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इसी वजह से लाहौर की ज़्यादा चीज़ें ऐड हो जाती हैं। और बाकी सिटी से भी आहिस्ता आहिस्ता कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, एकदम तो आएंगे नहीं, बहरहाल जैसे जैसे चैनल ऊपर आएगा इंशाल्लाह कमेंट्स की जो एवरेज है वो ज़्यादा होती जाती है। ये तो मुझे ऑफर टाइम से आइडिया हो गया हुआ था, तो अब इतने कमेंट्स वहाँ पे आते हैं, चीज़ें नहीं मिलती जितनी मुझे, बहरहाल ये इधर ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, आप जिस सिटी में भी देखें काफ़ी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगी होती हैं। फिर आखिरी नंबर पर बात करेंगे अपने LCD की, जो कि स्मार्ट आप कह सकते हैं, सैमसंग में आपको मिल जाती है देखने को वाईफाई के साथ, बहुत अच्छी कंडीशन है। बॉडी वाइज अगर कंडीशन की बात करें तो LCD को तो कुछ होना नहीं, वैसे हाँ अगर ये है कि कोई और मेजर प्रॉब्लम ना हो इसमें LCD में, तो वो चेक कर लेना, एक TV वाले को साथ लेके जाना जो कि इस चीज़ का काम करता हो, जिसे अच्छी तरह का मतलब कि आइडिया हो इसका, क्योंकि ये कोरियन आती हैं, चाइना में भी आती हैं और ओरिजिनल में भी आती हैं, तीन चार किस्म में आती हैं, तो इसमें अब ये ओरिजिनल का अगर कोई काम करता है तो उसे ही आइडिया होगा कि कैसी होती है कैसी नहीं, अगर हम लोग चले जाएंगे परचेज़ करने तो हमें इतना ख़ास पता नहीं चलेगा, तो देने वाले ने तो दे देनी है, बाद में आप लाके इसको वापस तो जाके कर नहीं सकते, क्योंकि आप मौके पे अगर आपने नहीं देखा तो बाद में आप उसको कसूरवार नहीं कह सकते। तो आपको 32 इंच में देखने को ये मिल जाती है, इसमें वाईफाई आपको मिलता है, सैमसंग कंपनी है, ठीक है। 21,000 रुपये इसकी डिमांड है, 21,000 रुपये में ये सेल करना चाह रहे हैं, उन्होंने अर्जेंट सेल करनी है, बिल्कुल न्यू लिखा हुआ है, आपको डब्बा एक साथ मिल जाता है, पता नहीं कितने मंथ यूज़ हुई है ये नहीं लिखा हुआ, बहरहाल डब्बा पास है तो समझ लो एक साहब की न्यू ही आप कह सकते हो, तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर 2-3-4-5 महीने डब्बा संभाल लेता है, उसके बाद तो वो ज़ाया ही हो जाता है। तो ये हाफिज़ाबाद में इस टाइम, हाफिज़ाबाद पंजाब में इस टाइम मौजूद है, 21,000 रुपये डिमांड है, देख लेना कि न्यू की प्राइस पहले सैमसंग 32 इंच की जो स्मार्ट TV वो कितने का है वाईफाई वाला, तो उसके मुताबिक आप इनके साथ प्राइस रेंज की बात करते हैं, लगभग मेरे ख्याल से 30-35 हज़ार रुपये की होगी, 35-40 के राउंड अबाउट आप कह सकते हो 32 इंच की मिल जाती सैमसंग की। तो इसमें इसने 21,000 रुपये मांगा हुआ है, या तो 35 है ये 30 या 35 या 35 या 40, मुझे कंफर्म आइडिया नहीं, आप लोग गूगल कर लेना एक दफ़ा, गूगल से आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया पता लग जाएगा 2 डे की प्राइस का, तो आप उसके मुताबिक इनके साथ बात कर सकते हो, मतलब कि 17-18-15 जितना भी आपका बजट है, आप अपने बजट को देखते हुए इनको प्राइस लगा देना। तो हाफिज़ाबाद वाले परचेज़ कर सकते हैं, कल का एड आज है तकरीबन 25, हाँ कल का एड है ये और 24 दिसंबर का, तो हाफिज़ाबाद वाले परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है यार वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दिया करो, लाजमी शेयर किया करो, कोई भी चीज़ चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, सिटी का नाम लिखें साथ प्राइस मेंशन कर दें, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर देख के वो चीज़ दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे लाजमी दुआओं में याद रखा करें, खुदा हाफिज़।